मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप अपना VOV 30E में फिंगरप्रिंट लॉक आपको कैसे लगाना है। अगर आप भी फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल देखिएगा, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लीजिए तो फोन डिस्प्ले पे साइन पे, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज बताने वाला हूँ कैसे आप अपना VOV 30E में फिंगरप्रिंट लॉक आप कैसे लगा सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट लॉक लगाना तो सिंपली सेटिंग्स पे आ जानी होगी, आने के बाद नीचे स्क्रॉल के आ जानी होगी और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिख रहा है सिक्योरिटी करके, तो सिंपली सिक्योरिटी पे क्लिक कर दीजिएगा। सिक्योरिटी पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो नीचे आएगा तो फिंगरप्रिंट लॉक आपको दिख रहा है, तो फिंगरप्रिंट लॉक पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक में क्या लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मेन लॉक पैटर्न लगाना चाहते हैं, पिन लगाना चाहते हैं या फिर पासपोर्ट, तो मैं पैटर्न लगाता हूँ, तो सिंपली पैटर्न को यहाँ पे दे दूंगा। देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, फिर से वही सेम टू सेम पैटर्न दे देने होगी और कन्फर्म पे क्लिक करनी होगी। जब कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको फिर से डन कर देने होगी और यहाँ पे चलिए मैं फिंगरप्रिंट देता हूँ, जैसे फिंगरप्रिंट देना वैसे आपको सेम टू सेम फिंगरप्रिंट दे देने होगी। चलिए मैं फटाफट यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे देने के बाद डन कर देने की और चाहिएगा तो यहाँ पे आप अपने ऐप में भी फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एनिमेशन स्टाइल भी सेट कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको दे देने का एनिमेशन। उसके बाद आइकन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आइकन आपको रखना है वो आइकन आप रख लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे और भी फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फिंगरप्रिंट पे करके और भी फिंगर को ऐड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिए।